की खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। मैं जितेंद्र, भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक। आने वाले नव वर्ष, अंग्रेजी नव वर्ष में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले नव वर्ष में सभी को सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करें, और जितने भी लोग हैं जो कोरोना वायरस वगैरह को सम्मानित किया है, उन सब लोगों से भी यह अनुरोध है कि कोरोना जैसी महामारी ओमिक्रोन आने वाली है, उसके बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, जो प्रोटोकॉल हैं कोरोना उनका पालन करें। उसके साथ साथ ही धन्यवाद, सभी को पुनः शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर कार्तिकेय सिंह, डायरेक्टर अनुराधा हॉस्पिटल, समस्त भोजपुर विधानसभा वासियों को बहुजन समाज पार्टी की ओर से नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि ये वर्ष आपके जीवन में, आपके सभी साथियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेके आए। मैं मनोज सिंह गौर, जिला प्रधान महासचिव जनसत्ता दल। आप सब जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। ये नव वर्ष आप सबके जीवन में तमाम खुशियां के साथ, आपको समृद्ध के साथ यश लेकर आए, और आप सबके जीवन में अपार खुशियां हों। जय जनसत्ता, जय रघुराज। नागेंद्र सिंह राठौर, विधायक भोजपुर फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद जनपद के सभी सम्मानित वासियों को तथा भोजपुर विधानसभा के सभी परिवारों को अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष सभी के लिए कल्याणकारी, मंगलमय और उन्नतकारी हो। मैं विपिन अवस्थी, डायरेक्टर जीवी अकेडमी एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फर्रुखाबाद से। मैं सभी जनपद वासियों को नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं देता हूं कि यह पर्व, यह जो है वर्ष, हम सभी के लिए खुशहाल और खुशहाली लेकर आए, जीवन में नई नई ऊंचाइयों को सभी हासिल करें और सभी प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर हों। दूसरा, मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था जीवी अकेडमी एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा जनपद के ऐसे सभी असहाय, गरीब, विकलांग छात्राओं को भी जो है, इसके अलावा अन्य किसी भी ऐसे वर्ग के छात्रों को सहायता प्रदान करती है, एवं मेरा जो उद्देश्य है वो यह है कि कंप्यूटर शिक्षा से कोई भी छात्र वंचित न रहे। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी स्थिति में अगर कोई छात्र है जो कि आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहता है, वो हमारी संस्था में आकर के शुल्क अगर उसके देय हो या उसकी स्थिति हो जिस हिसाब से वो दे सके, नहीं तो वो किसी भी स्थिति में वो निःशुल्क भी शिक्षा ग्रहण कर सके। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक